योग प्राणायाम ध्यान के ऊपर रिसर्च है काफी जो आपको बताती हैं कि आपकी जो चित्त की वृत्तियां हैं जो मनोरोग तक हों वो तक ठीक हो जाते हैं। उस पर तो बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, वो आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हम इस शरीर से बाहर निकलकर भी अगली गति भी कर सकते हैं। इसलिए सही माध्यम को अपनाना बहुत जरूरी है। मैं ईश्वर की बात कर रहा था कि ईश्वर के विषय में क्या बताया गया है। योग दर्शन के पहले पाद के 24वें सूत्र में बताया गया है कि क्लेश कर्म विपाक आशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, अर्थात अविद्या आदि जो हमारे पांच क्लेश हैं, पांच क्लेशों के विषय में भी योग दर्शन में बहुत खोल करके बताया गया है। शुभ और अशुभ या फिर मिश्रित कर्म, कर्मों के फल सुख और दुख, और कर्म फल के भोगों से उत्पन्न होने वाली जितनी भी वासनाएं हैं उन सब से जो पृथक है वो ईश्वर है। लेकिन यहां पर हम जिनको ईश्वर बता रहे हैं, जिनको हम ठाकुर जी कह रहे हैं, उनके जीवन के अंतिम क्षणों में यदि हम जाएं, पुराण आदि पढ़ें, महाभारत आदि पढ़ें, तो उसमें यह जिक्र आता है कि गांधारी के श्राप के कारण उनकी आंखों के सामने ही उनके पूरे परिवार का नाश हो गया और उनकी स्वयं की मृत्यु भी एक असाधारण मृत्यु थी, अर्थात जो सामान्य जनों की मृत्यु नहीं होती है। लोगों ने इसको माया का रूप दे दिया, किसी ने कहा कि भगवान के ऊपर श्राप लग गया। लेकिन भगवान के ऊपर श्राप कैसे लग सकता है यदि वो ईश्वर है, और ईश्वर को तो आप जान ही गए हैं कि ईश्वर किसको कहा जाता है। और यह कोई अवैदिक ग्रंथ नहीं है, आर्ष ग्रंथ है। योग दर्शन एक आर्ष ग्रंथ है, मनुष्यकृत, पुराणों आदि की तरह मनुष्य ग्रंथ नहीं है। तो ईश्वर को श्राप कैसे लग सकता है? अब आप स्वयं तय करें कि इन सब के पीछे क्या झोलमोल है, किसकी दुकानदारी है, वो लोग करना क्या चाहते हैं। जिनको वो करना है वो करें। मैंने देख लिया है आप लोगों को बता करके कि आप उन लोगों से, उन मलेच्छों से जरा भी कम नहीं है जो सना कुरान की जरा सी समीक्षा के बाद में मुझे आकर के खूब गाली गलौच करते हैं। आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है, आप भी इसी तरीके से गाली गलौच करते हैं। आप में और उनमें द्लेश मात्र फर्क नहीं है, ये मैं समझ गया हूं। और आप इस चैनल को छोड़कर जाएं, इसमें मेरी खुशी है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पास में कोई व्यक्ति इस वजह से चिपक जाए क्योंकि मैं विधर्म की समीक्षा कर रहा हूं। लेकिन लेकिन यदि आप ईश्वर मानते हैं तो इस परिभाषा को कहां ले जाएंगे? अब बात करते हैं कि क्या मंदिरों को तोड़ देंगे आप? क्या वहां से जितनी भी मूर्तियां हैं उनको उठा देंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। ना यह कार्य मैं करूंगा, ना कोई आर्य समाजी करेगा, ना खुद को जो पूर्ण रूप से वैदिक कहता है, वेदों पर चलने वाला है, जो मूर्ति पूजा नहीं भी करता है वो भी नहीं तोड़ेगा। उसका मैं कारण बताता हूं। देवालयों की स्थापना बहुत जरूरी है, उसमें मूर्ति स्थापना जरूरी है। मैं बहुत तो नहीं कहता लेकिन जरूरी है। देवालयों की स्थापना को मैं किस प्रकार से मानता हूं, इसके विषय में पहले भी काफी सारे वीडियोस बना चुका हूं कि हमारे जितने भी देवालय हैं उन देवालयों में हमको एक काम करना चाहिए। देवालयों में एक गुरुकुल होना चाहिए ताकि वहां पर बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण की जो पूरी तयशुदा एक सिलेबस के तहत पाठ्यक्रम चलता रहे। दूसरा कि आसपास के लोगों के लिए जो भी उनके घरों की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उनके समाधान हेतु एक ऐसा अनुभवी वृद्ध वानप्रस्थी व्यक्ति जरूर बैठे, क्योंकि हमारी जो आश्रम व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आश्रम व्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु हम लोगों को जो हमारे मंदिर हैं, देवालय हैं, उन देव स्थानों में एक स्थान ऐसा बनाना पड़ेगा जहां पर हम कंसल्टेंसी को कर सकें, अर्थात जो अनुभवी वानप्रस्थी हैं वो लोग वहां पर बैठें और जो बच्चे हैं उनकी समस्याओं को सुने, उनके शंका समाधान करें, उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनकी जो क्वेरीज हैं उनको लेवे। और जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन आपसे जा चुका है, वानप्रस्थी आप हो चुके हैं, तो उनके जीवन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सबको आप लिया करें। और फिर तीसरे पर आता हूं कि वहां पर आयुर्वेद की शालाएं होनी चाहिए, आयुर्शालाएं होनी चाहिए, अर्थात जिन लोगों को कुछ भी रोग आदि हो, पहली तो बात यह है कि आयुर्शालाएं, जितनी भी आयुर्वेद शालाएं हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि कोई भी बीमार ना पड़े। और वो बीमार ना पड़े इसके लिए क्या व्यवस्था है? इसके लिए व्यवस्था ये है कि
उन सबको नियमित योग आसन प्राणायाम ध्यान आदि, और जो मौसम पलटी होती है, मौसम पलटी होने पर जो उपयुक्त उनके लिए काढ़ा आदि है, उपयुक्त योगासन आदि है, वो कराए। तो इससे क्या होगा, इससे उनके अंदर रोग आदि नहीं आएंगे, और यदि रोग आएंगे तो उसके लिए भी इलाज की व्यवस्था उसी देवालय उसी मंदिर में होनी चाहिए। अब यहां से हमको ये चीजें मिलती हैं। सबसे बड़ी चीज यानी कि देवालय जो मेन है, मुख्य है, ये जो मैंने बातें बताई हैं ये बाहर की हैं, ये उसके साथ लगाई जाएं, लेकिन देवालय का मुख्य जो कार्य है वो क्या है। देवालयों की स्थापना हमने देखा है पहले से ही कि वो ऊपर से शंक्वाकार होती हैं। शंक्वाकार बनाने का कारण ये है कि उसके नीचे बैठ करके यदि आप ध्यान लगाएं तो आपका ध्यान बहुत जल्दी लगता है। लेकिन आजकल हमने देखा है कि देवालयों की जो स्थापना है वो इसलिए हो रही है धड़ाधड़, वो इसलिए हो रही है ताकि वहां से एक बिजनेस चलाया जा सके मन्नतवाद का, और ये बहुत सच्चाई है। इसको, इस बात को आपके जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आरबीआई 2000 का नोट, इस तरीके के जो दृष्टांत बता करके सिद्धांत सिद्ध करने की जो घोषणा करते हैं और वहां से सिद्धांत को हटा करके दृष्टांत को सिद्धांत बनाने का कार्य करते हैं, वो लोग कभी आपको ये बातें नहीं बताएंगे। उसके नीचे ध्यान बहुत जल्दी लगता है, इसलिए इन देवालयों की स्थापना तो होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो केवल और केवल मन्नतवाद का अड्डा बन चुका है। ये बहुत बहुत कड़वी सच्चाई है, इसको आप माने या ना माने, इसको आप स्वीकार करें या ना करें, वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन यदि आप यथार्थवाद में जाएंगे, यदि आप प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे, यदि आप ओरिजिनलिटी चेक करने जाएंगे, यदि आप इसका फैक्ट चेक करने जाएंगे, तो आपको हजारों लाखों ऐसे फेक मंदिर, फेक देवालय मिल जाएंगे। उसमें से अधिकतर तो साईं के ही हैं, उसके नाम पर बहुत मन्नतवाद का धंधा चलता है। ये सब ऐसे हैं कि यहाँ कोई ध्यान की प्रैक्टिस नहीं होती है, यहाँ पर कोई ध्यान साधना नहीं होती है, यहाँ केवल और केवल मन्नतवाद चलता है। पैसा चढ़ाओ, मन्नत मांगो, पूरी हो गई वापस आओ, दोबारा चढ़ाओ, नहीं हुई तो दूसरा पकड़ लो। अब साईं से नहीं हुई तो भैरवनाथ से पकड़ लो, भैरवनाथ से नहीं हुई तो किसी और से पकड़ लो। नए नए बहुत सारे ऐसे मजार मंदिर बनने रहे हैं। तो ध्यान लगाना अत्यंत आवश्यक था, और ध्यान लगाने के लिए अंदर देवालय में यह उपयुक्त स्थान पर हमें पहुंचना था। ध्यान हेतु हमें बाहर ही क्यों जाना, क्योंकि इसको इस उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति घर में सब लोगों के साथ में रहता है, वहां पर टीवी भी चल रहा होता है, कुकर की सीटी बज रही होती है, बच्चे भी शोर कर रहे होते हैं, बूढ़े लोग खांस रहे होते हैं, तो वहां पर आपका ध्यान आदि नहीं लगेगा। इस वजह से ही जो जो कार्य घर में नहीं हो सकते थे उनके लिए सामुदायिक स्थान बनाए गए, और उन सामुदायिक स्थानों में मंदिर हैं, देवालय हैं, योग स्थान भी हो सकते हैं, यज्ञशालाएं भी हो सकती हैं, और इसी प्रकार से क्या है, इसी प्रकार से जो बारात घर धर्मशालाएं बनवाई गई हैं, ये इसी वजह से बनाई गई हैं, क्योंकि यदि आपके घर में कोई फंक्शन है तो छोटे से घर में नहीं कर सकते, तो उसको बाहर कर लीजिए। ध्यान योग साधना करनी है, घर में नहीं कर सकते, उपयुक्त वायु का आना जाना नहीं है, और उस तरीके का एनवायरमेंट भी नहीं है जो कि आपको ध्यान साधना के लिए चाहिए, तो उसके लिए देवालय बनाए गए। स्कूल क्यों बनाए गए, पढ़ाने को तो घर में पढ़ा सकते थे, लेकिन क्योंकि घर में टीवी भी चलता है, बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं बटेगा, बच्चों का ध्यान एकाग्र नहीं होगा, और सबसे बड़ी चीज कि वैसा माहौल नहीं है विद्यालय के अंदर, वहां पर पूरा माहौल भी है, और वहां पर इस तरीके की जो बाकी की गिचपिच पिचपिच होती हैं वो भी वहां पर नहीं होती हैं। इस वजह से एक माहौल क्रिएट करके उसी तरीके का बनाया जाता है। इस वजह से देवालयों की स्थापना हो, वहां पर जो मूर्ति की बात है, मूर्ति यदि आप प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो दोस्तों इसमें यह कहा जाता है कि मूर्ति को देख करके सात्विकता आती है, लेकिन मैंने काफी सारे पंडितों से बात की है जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, आप भी खुद भी पूछ सकते हैं। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में एक मंत्र वेद का बोला जाता है, एक आध बोला जाता है, एक दो भी बोले जाते होंगे, लेकिन जो बाकी के जो मंत्र हैं उनमें तामसिक मंत्र भी मिश्रित होते हैं। अब जो तामसिक मंत्र हैं वो तंत्र विद्या के होते हैं और वो सीधे सीधे सात्विकता के विरोधी मंत्र होते हैं। अब यदि आप ये कहें कि तांत्रिक मंत्रों के द्वारा सात्विकता आएगी तो इसमें आप गलत हैं। इस प्रकार से हमको सब चीजों को सेपरेटली समझना पड़ेगा। तो प्राण प्रतिष्ठा क्या है, हमने जब पूछा कि
प्राण प्रतिष्ठा का प्रमाण क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये एक भाव है। तो भाव तो हम कहीं भी कर सकते हैं, भाव है उसमें, उसका पैरामीटर क्या है तो इससे आप नहीं सिद्ध कर सकते हैं। यह केवल और केवल एक प्रक्रिया है जिससे कि लोगों के अंदर एक भाव आता है बस। लेकिन फिर बात घूम करके वही आ जाती है कि तामसिक मंत्रों के द्वारा आप सात्विकता की स्थापना तो नहीं कर सकते। तामसिक मंत्र केवल और केवल तांत्रिकों के लिए होते हैं, तंत्र विद्या आदि के लिए होते हैं। वो भी केवल और केवल एक भाव है, उससे कुछ भी होता जाता नहीं है। तांत्रिक मंत्रों के द्वारा, तंत्र के जो मंत्र हैं, जो तामसिक मंत्र हैं, वो किसी सैनिक की वापस प्राण स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं। किसी किसी का एक एक बच्चा है। हरियाणा में 40-50% लोग तो आज इस वजह से बेघर हो रहे हैं क्योंकि उनके अकेले अकेले बच्चे थे और वही सेना में चले गए और वही वहां पर वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन कोई भी तांत्रिक आज तक उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाया। लेकिन यहां पर ये दावे करते हैं कि हमने एक निर्जीव वस्तु को सजीव कर दिया है, प्राण उसमें डाल दिए हैं। तो यह केवल और केवल एक दुकानदारी है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। आप मुझे गाली दे सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस विषय में। तो वहां पर मूर्ति स्थापित करने की आवश्यकता क्या हुई? मूर्ति स्थापन यानी कि उनके चित्र को देख करके उनके चरित्र को धारण करना। अब वहां उनका चित्र लगा हुआ है और साथ ही उनका चरित्र का बखान भी हो रहा है। उनके चरित्र के विषय में बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उन्होंने इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए क्या किया, धर्म की स्थापना के लिए क्या किया, कहां पर कौन सा फैसला लिया, कहां पर किस तरीके से क्या किया। हमें वो सीखना पड़ेगा, ना कि केवल उनके सामने जाकर के धूप बत्ती दिया बत्ती करके अपनी मन्नतें मांगनी होंगी। वास्तविक मूर्ति पूजा यह है कि हम उस चित्र से उनके चरित्रों का अनुकरण कर सके। वहां पर बैठ करके हम, चाहे वो श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे योगी शिव हो, ये सब के सब महायोगी रहे हैं, महायोगेश्वर रहे हैं। इनके नक्शे कदम पर चलने की आवश्यकता है, ना कि केवल वहां पर जाकर केवल और केवल मन्नत मांगने की आवश्यकता है। सात्विकता की अवधारणा तांत्रिक तामसिक मंत्रों से करना बेमानी है, ये बात भी इसी में ही है। इस प्रकार से देवालयों की स्थापना, हॉस्पिटल्स की स्थापना, विद्यालयों की स्थापना, धर्मशालाओं की स्थापना, यह तो धर्म का कार्य बताया गया है, यह होते रहना चाहिए। गुरुकुलों की स्थापना भी इसी स्तर पर होनी चाहिए। आखिरकार हमारे सभी महापुरुषों का एक ही ध्येय था, एक ही उद्देश्य था, और वो था वेद रक्षा, वेद की वाणी की रक्षा, और वेद के जो नियम है, जो डूज एंड डोंट्स हैं, उनकी रक्षार्थ कार्य किया जाए। चाहे वो कोई भी महापुरुष क्यों ना हो, वेद की आज्ञा, अनुशासन को बनाए रखने, संविधान को जिंदा रखने, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए ही उन्होंने जन्म लिया, और मनुष्य मात्र के कल्याण को करते हुए ही उन्होंने अपने इस पूरे जीवन को, इस समाज, इस धरती के सुपुर्द करते हुए आखिरकार ईश्वर में विलीन हुए। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको जो आरोप लगाने हैं आप लगाते रहिए। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।